करीबन 48 घंटे पहले पॉप स्टार रिहाना ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर बहस है खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बॉलीवुड एक बार फिर से दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कंगना रनौत जैसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस ने जहां सरकार की तरफदारी करते हुए रिहाना पर यह आरोप लगाया है कि वो भारत के मुद्दे पर और भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचाने वाले काम ना करें, उसे प्रोपेगेंडा तक करार दे दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू जैसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस ने रिहाना के किसान आंदोलन पर बोलने का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन 48 घंटे बाद अगर आपको ये नहीं पता कि ये पूरी स्टोरी क्या है, क्यों ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है उन पर भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का आरोप लग रहा है, तो इन तमाम बातों को बताने के लिए हम है ना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। दरअसल पॉप स्टार रिहाना है जिनके की ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने 2 फरवरी की रात और 3 फरवरी की सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने CNN का एक लिंक शेयर किया और कहा कि हम इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, #FarmersProtest। जी हाँ, ये हरियाणा के किसानों के बारे में था कि 26 जनवरी के बाद किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में और हरियाणा में इंटरनेट के कनेक्शन को काट दिया गया। रिहाना के इस ट्वीट करने की देरी थी और यूजर्स ने आश्चर्य जताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से भारत से 13,000 किलोमीटर दूर बारबाडोस में पैदा हुई रिहाना, जो कि अमेरिका की सुपरस्टार है और पॉप लेजेंड कही जाती हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये ट्वीट किया। दिलजीत दोसांझ ने तो रिहाना पर एक गाना भी बना दिया और उनका शुक्रिया अदा किया, तो वहीं कंगना रनौत ने उन्हें बेवकूफ कह डाला। यही नहीं, लगातार ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ और कंगना रनौत ने उन्हें पॉर्न स्टार तक कह डाला। इसके बाद इस मुद्दे पर सरकार भी कूदी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ट्वीट करते हुए पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत के मुद्दे पर ना बोले। इसके साथ उन्होंने 2 हैशटैग्स भी प्रमोट किए। हैशटैग था #IndiaTogether और दूसरा हैशटैग था #IndiaAgainstPropaganda। अनुराग श्रीवास्तव के इस ट्वीट करने की देरी थी कि इसके बाद बॉलीवुड के अलग अलग एक्टर्स ने और स्पोर्ट्स के तमाम स्पोर्ट्समैन ने इन्हीं हैशटैग्स के साथ रिहाना से लेकर तमाम उन लोगों पर निशाना साधना शुरू कर दिया जिन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी थी। इसमें सबसे पहले शुरुआत की अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने अनुराग श्रीवास्तव के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि भारत की अखंडता और सहिष्णुता पर कोई भी सवाल ना उठाए। इसके साथ साथ भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता, बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं हो सकती, भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला उन्हें ही करना चाहिए, आइए सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। फिल्म मेकर हैं विवेक अग्निहोत्री जो कि ट्विटर पर खूब एक्टिव रहते हैं। उन्होंने तो ग्रेटा थनबर्ग जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने रिहाना के बाद किसान आंदोलन का जमकर समर्थन किया था, उन पर यह भी आरोप लगा दिया कि ये लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले कंगना ने ग्रेटा थनबर्ग को एक बेवकूफ और बुद्धिहीन लड़की करार दे दिया और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कनाडा के एक सांसद हैं जगमीत सिंह, उन पर यह आरोप लगा दिया कि जगमीत सिंह ने ही रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को किसान आंदोलनों के बारे में ट्वीट करने को कहा है। आपको बता दें कि जगमीत सिंह पर विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये खालिस्तान को समर्थन करते हैं। हालांकि न्यूज तक इस तरह की किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने जो ट्वीट किया है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी राय हो सकती है। इसके बाद इसी कृषि आंदोलन को लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो गई। ये थी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की। 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग है और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग रहती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनको तो ये भी पूछ लिया था, हाउ डेयर यू, और ये तो आपको कहीं ना कहीं याद भी होगा। तो ग्रेटा थनबर्ग ने कल एक ट्वीट किया, यानी कि 3 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक टूल किट को शेयर किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इस टूल किट में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि किसान आंदोलन को आगे लेकर जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो गया। ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ ही इसमें अटैच डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं।
और ग्रेटा भी जमकर ट्रोल हो रही हैं। कुछ लोगों ने इसे भारत के लोकतंत्र पर हमले की साजिश करार दिया, तो दूसरी ओर ग्रेटा ने टूल किट को दोबारा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहला वाला टूल किट आउटडेटेड था, इसलिए दोबारा ट्वीट करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कई मौकों पर फासीवादी पार्टी तक कहा था। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो पहला डॉक्यूमेंट, जिसे कि टूल किट कहा गया था, उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है, जिसमें 5 बातें लिखी गई थी। इसमें कहा गया है कि ऑन ग्राउंड प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे, किसानों का विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने वाली तस्वीरों को ईमेल करें और इन्हें 25 जनवरी तक भेजें। इसमें आगे लिखा है कि किसान आंदोलन को लेकर डिजिटल स्ट्राइक करनी है, इसके लिए #AskIndiaY के साथ तस्वीर और वीडियो 26 जनवरी या इससे पहले ट्विटर पर पोस्ट करनी होगी। 4 से 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लेकर आना है, यानी किसान आंदोलन से जुड़ी सभी चीज़ों को ट्रेंड करवाना है। 6 फरवरी को कैंपेन का आखिरी दिन बताया जा रहा है, इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के तरीके भी बताए गए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ बोलने और ऑनलाइन पिटीशन साइन करवाने की बात भी इन तमाम स्क्रीनशॉट्स में की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने इस डॉक्यूमेंट को इसलिए डिलीट कर दिया कि उनका कहना था कि ये तमाम डॉक्यूमेंट आउटडेटेड है और यही वजह है कि उन्होंने नए डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। सिर्फ रेहाना या फिर ग्रेटा थनबर्ग ही नहीं, इसके अलावा एक्स पॉर्न स्टार रही मिया खलीफा ने भी अपनी राय किसान आंदोलन पर रखी, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ट्रोल हो गई। हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर अलग अलग कोई भी प्लेटफॉर्म, इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ।